जिला बरेली विकास क्षेत्र भतपुरा के कस्बा कुलड़िया के मेन बाजार में विद्युत संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विद्युत संबंधी परेशानियों को दूर किया गया और नए कनेक्शन भी दिए गए। एसडीओ विद्युत नवाबगंज ने बताया कि सौभाग्य योजना फिर से चालू हो गई है, जिसके तहत गरीबों को नए विद्युत कनेक्शन दिए जा रहे हैं और इसी के साथ एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम भी आई है, जिसमें उपभोक्ता कॉमर्शियल चाहे तो एक मुश्त अपना बिल जमा कर सकते हैं, उससे किसी भी प्रकार का सरचार्ज या अन्य कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि इस तरह का कैंप प्रत्येक महीने के तीसरे शनिवार और रविवार को लगाया जाता है। विद्युत संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं उसके निवारण के लिए शिविर आयोजित किया है जी। इसमें आप देख रहे होंगे जितने भी लोग आ रहे हैं इनकी तरह तरह की समस्याएं हैं, जैसे कुछ लोगों के पुराने मीटर हैं जो कि अभी उनका बिल नहीं आ रहा था उस, और जिनका बिल जमा नहीं हो पा रहा था, जिनके बिल में कुछ दिक्कत थी, वो सारी समस्याएं दूर हो रही हैं और नए कनेक्शन हो रहे हैं। कि सौभाग्य के तहत हम लोग नए फ्री में कनेक्शन दे रहे हैं, जिसके पास भी अभी तक बिजली का कनेक्शन नहीं हुआ था वो फ्री में कनेक्शन ले सकता है। अच्छा सर, और सर बीच में ये बताया जा रहा था कि जो सौभाग्य योजना है मतलब बंद हो गई है, अब सौभाग्य योजना फिर से आई है, उसके साथ साथ एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम आई है जी, जो यहाँ के जितने भी कॉमर्शियल कंज्यूमर्स हैं उनके लिए है। अगर वो यहाँ पे चाहें तो आके अपना बिल कम करवा के उनका जितना भी ब्याज था वो माफ़ हो जाएगा और अपना बिल जमा कर सकते हैं। पहले मीटर लगा हुआ था ये सर, इस तरह का जो कैंप जो है मतलब कब कब लगाया जाता है? जैसे ये कैंप हर तीसरे शनिवार और रविवार को लगाया जाता है जगह जगह पे, कुलड़िया में हर महीने एक बार तो हो ही जाता है लगभग, और आगे से मैं कोशिश करूंगा कि हर हफ्ते दो दिन यहाँ पे कैंप लगे। सर तो इस बारे में जो है क्षेत्र के लोगों को कैसे जानकारी दी जाती है? क्षेत्र के लोगों को जय साहब है हमारे प्रचार प्रसार कराते हैं, इसका लोग जाकर बताते हैं, इसकी सूचना पहुँचाते हैं लोग। बरेली से ब्यूरो रिपोर्ट।